हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्लिप्स का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस डिज़ाइन की खासियत ये है दोस्तों, आप इसमें एक चीज़ और सीख सकते हैं, वो है आप अपनी आस्तीन में कफ चढ़ाना। कफ चढ़ाने के साथ साथ आप ये डिज़ाइन भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने किस किस हिसाब से कपड़ा लिया है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, एक कपड़ा तो हमने इस हिसाब से लिया है, कपड़े की लंबाई लिए हमने 9.5 यानी कि 9.5 इंच, और कपड़े की चौड़ाई हमने अपनी आस्तीन के हिसाब से ली है, जितने में हमारी आस्तीन निकल जाए। इसके बाद हमने नीचे की तरफ एक कपड़ा और लगाना है सेम इसी कलर का, उसकी चौड़ाई हमने ली है 13 इंच, एक तरफ से डबल में हो गई 26 इंच, मतलब कि 26 इंच, और लंबाई जो ली है वो 8.5 ली है, मतलब कि 8.5 इंच। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स काटना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आस्तीन काटने के लिए अपना छोटा वाला कपड़ा यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके नीचे बड़ा वाला कपड़ा बिछाएंगे, जिसकी लंबाई हमने 8.5 इंच ली है और चौड़ाई 26 इंच ली है। इस तरीके से हम इसको इसके नीचे रखेंगे और 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे। ये 1/2 इंच हमने इसके ऊपर चढ़ा के रख दिया है। इसके बाद हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो है 18 इंच, मतलब कि 18 इंच। 18 इंच रखने के लिए हमने यहाँ पर 9.5 ये और 8.5 ये लिया है, और 1 इंच हमारा जो मार्जिन है वो इसमें चला जाएगा और 2 इंच का कफ इसके ऊपर चढ़ेगा। तो हमारी आस्तीन जो तैयार हो जाएगी वो 18 इंच में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी कटिंग कैसे कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हम इस पर आयरन कर लेते हैं पहले। तो कपड़े को सेट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रेस भी कर ली है। इसके बाद हम दोस्तों लगाएंगे अपनी आस्तीन की लंबाई का निशान। दोस्तों, हमारी आस्तीन की जो लंबाई तैयार है वो है 18 इंच, जिसके लिए हमने 9.5 इंच अपना ऊपर वाला और 8.5 इंच नीचे वाला कपड़ा लिया है, और इसके नीचे 2 इंच का कफ भी चढ़ेगा। कफ चढ़ाने में हमारा 0.5 इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जॉइंट लगाने में 1 इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा, और 0.5 इंच का मार्जिन हमारी आस्तीन चढ़ाने में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी 18 इंच आस्तीन तैयार हो जाएगी। तो आस्तीन की मार्किंग करने के लिए हम ऊपर से एक 3 इंच पर मार्क इस तरीके से लगाएंगे नीचे की तरफ, और इस मार्क को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी आस्तीन के आर्मोल का निशान। दोस्तों, हमारी आस्तीन का जो आर्मोल है वो है 7 इंच, क्योंकि कुर्ती में हमने 6.5 काटा था, उसमें हम आस्तीन में काटने के लिए 0.5 इंच बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर अपना मार्क इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम अपनी आस्तीन की राउंडिंग देंगे, जो सेफ होती है इस तरीके से। सेफ हमने यहाँ पर इस प्रकार से दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पर एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी आस्तीन की जो गोलाई है वो है 4 इंच। आपकी आस्तीन की गोलाई चाहे कितनी भी हो, आपको इस तरीके से यहाँ पर नाप लेनी है कलाई इस तरीके से, और फिर उतने ही यहाँ पर नाप रख देना है। ये हमने अपना मार्क लगा दिया है। अब हम इसके बाद इस मार्क से इस मार्क को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा देंगे। ये हमारी आस्तीन की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम अपनी आस्तीन की यहाँ से सेफ की बिल्कुल निशान पर कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर वाला जो हमने ये कपड़ा बिछाया है इसको हटा देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमें सिर्फ एक सेफ का निशान चाहिए था यहाँ का। तो सेफ हमारी आ गई है, और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद में हम अपनी इस आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में यहाँ पर आगे का गड्ढा कर देंगे, मतलब कि सेफ दे देंगे। तो ये हमने अपनी सेफ दे दी है। अब चलिए मशीन पर हम आपको बताते हैं ये स्टिचिंग इसकी कैसे होगी। तो दोस्तों, आस्तीन की स्टिचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नीचे वाले पीस में गैदर्स डालनी होगी। इस पीस को आप अभी अलग रख दें। तो गैदर्स डालने के लिए आप अपने कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में यहाँ से अपनी गैदर्स यहाँ तक डालेंगे। गैदर्स किस तरीके से पड़ती हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, हम आपको दिखा रहे हैं। गैदर्स डालने के लिए आपको अपनी एक ये वाली उंगली इधर की तरफ इस तरीके से रखनी होगी, और ये वाली उंगली इस तरीके से यहाँ रखनी होगी, और मशीन चलाते वक्त आपको इस तरीके से कपड़े के अंदर सुकलन डालनी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारी एक तरफ की गैदर्स पड़ गई हैं। यहाँ पर हमने अपनी गैदर्स थोड़ी पास पास डाली हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी गैदर्स थोड़ी दूर दूर डालेंगे। अब हम अपनी गैदर्स सेम इसी तरीके से इधर बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने गैदर्स वाले पैटर्न को आस्तीन में अटैच करेंगे। पैटर्न को अटैच करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक तरफ हमने अपनी चुन्नटें जो है दूर दूर डाली हैं, और एक तरफ बहुत पास पास डाली हैं। तो पास पास जहाँ डाली है वहाँ पर हमारा हिस्सा थोड़ा छोटा है, और जहाँ दूर दूर डाली है वहाँ पर थोड़ा हिस्सा बड़ा है। बड़े वाले हिस्से को हम अपनी आस्तीन में अटैच करेंगे। अब हम अपनी आस्तीन का जो सीधा भाग है ऊपर की तरफ रखेंगे खोलकर, और बड़े वाले हिस्से को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये भी हमारा उल्टा पीस ऊपर की तरफ रखा जाएगा इस तरीके से, देखिए, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपने बड़े वाले पैटर्न को अटैच कर दिया है। अब आपको यहाँ पर इंटरलॉक कर लेनी है।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से खोलना है, और खोलने के बाद में देखिए इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब आपको अपनी आस्तीन को इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद में आपने अपनी आस्तीन की जितनी भी मोरी रखनी है आपको अपने हिसाब से रखनी है। हम यहाँ पर 4 इंच तैयार रखेंगे, सॉरी राउंडिंग में 8 इंच और हाफ में 4 इंच, तो यहाँ पर हम अपना 4 इंच पर मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद में जो दोस्तों मार्जिन बचता है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, देखिए, और यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे। जो हमारा मार्जिन बचा है इसको भी हम कट लगा लेंगे, दोनों तरफ ध्यान रहे हमें, इसलिए ये हमने अपना कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में इस मार्जिन को इस तरीके से अंदर की तरफ 2 बार टर्न करते हुए इसे फोल्ड कर देंगे ऐसे करके। तो जैसे हमने यहाँ पर फोल्ड किया है वैसे ही सेम इधर की तरफ भी फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी आस्तीन को फिर से इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ से आपको सिलाई लेनी है, और सेम आपको अपने मार्क पे यहाँ से लेकर आके लगा देनी है सिलाई। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों आप अपनी आस्तीन को सीधा कर लें। ये हमने सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद में इसके आगे की तरफ अब हम आपको बताएंगे कफ चढ़ाना। तो दोस्तों कफ चढ़ाने के लिए हमने जो अपना कपड़ा लिया है, पहले आप इसका साइज जान लीजिए। दोस्तों हमने अपने कपड़े की जो लंबाई ली है वो ली है 5 इंच, और चौड़ाई जो ली है वो 9 इंच ली है। तैयार होने के बाद में दोस्तों हमारे कफ की जो गोलाई होगी वो होगी 8 इंच, और चौड़ाई जो होगी वो होगी 2 इंच तैयार। तो इसको कैसे कैसे तैयार करेंगे ध्यान से देखना। पहले हम अपने कपड़े को इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और सिलाई लगा देंगे एक पैर की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी एक पैर की सिलाई लगा दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, उल्टा हिस्सा आपको नीचे की तरफ रख देना है। अब सीधा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है, और सिलाई वाला हिस्सा इस साइड पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी आस्तीन रखनी है। देखिए ये जो हमारी दोनों साइडें खुली हुई हैं इनमें से आपको एक साइड पकड़ लेनी है इस तरीके से, और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाले कपड़े में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप अपनी आस्तीन को पीछे रखेंगे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच का मार्जिन बचा है, और आस्तीन हमारी फिक्स आ गई है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कपड़े को नीचे वाले को खोलना है इस तरीके से, और खोलने के बाद में इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में अपने नीचे वाले ये वाले कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, और फोल्ड करके रखने के बाद में अपने कपड़े को बिल्कुल एक बराबर इस तरीके से मिला देंगे, और मिलाने के बाद में सीधी सिलाई लगा देंगे, और थोड़ा मार्जिन इसमें से कम कर देंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली साइड को भी बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपस में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, यहाँ से सिलाई मार देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ये जो कपड़ा है हमारा नीचे वाला, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ जो मार्जिन देख रहे हैं इसको टर्न कर देंगे, और कैंची की नोक की मदद से इसको निकाल देंगे सही से कोना, ये देखिए। अब हम ये वाला मार्जिन अपने कफ के अंदर लेते हुए किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कफ है वो चढ़ गया है, और चढ़ने के बाद में देखिए हमारे कफ की जो फिनिशिंग आई है वो बहुत ही खूबसूरत आ गई है। तो दोस्तों कफ लगाने के बाद में हमने यहाँ पर एक बटन भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारी आस्तीन ठीक तरीके से बंद हो जाएगी। इसी के साथ हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फोटो डालते रहते हैं, वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। और साथ ही दोस्तों हमारे इस डिज़ाइन को और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों लाइक करना आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।